हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे जो बाल तोड़ होता है ना, तो बाल तोड़ के हम आपको ढेर सारे घरेलू उपाय बताने वाले हैं। जब शरीर के किसी भी हिस्से का एक भी बाल जड़ से टूट जाता है तो वहाँ पहले एक घाव बन जाता है, पहले एक फुंसी की तरह दिखता है, परंतु धीरे धीरे एक बड़े जख्म में बदल जाता है जिसे बाल तोड़ कहे जाते हैं। अब उसके जो उपाय हैं वो बताएंगे, आपको लक्षण भी बता देते हैं, बाल तोड़ के लक्षण क्या होते हैं। अधिकतर बाल तोड़ हाथ, पैर, कमर, कमर के नीचे के हिस्से या जांग पर ही निकलता है, और यदि इसको किसी शुरुआती दिनों में ही पकड़ लिया जाए तो इसका तुरंत इलाज करके बढ़ने से रोका जा सकता है। किंतु मुश्किल तो यही है कि फुंसी की तरह दिखता है तो लोग इस पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कुछ लक्षण बता रहा हूँ। जहाँ बाल तोड़ निकलता है उसके आसपास की सारी त्वचा लाल पड़ जाती है, साथ ही इसके आसपास की सारी जगह भी सूजने लगती है। पहले फुंसी निकलती है जिसमें पस को साफ देखा जा सकता है। अब हम आपको घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कारगर होंगे आपके लिए, तो चलिए हम आपको बताते चले जाते हैं। और ये सारे के सारे जो उपाय हैं ये रामबाण की तरह काम करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सबसे पहले तो मैं हल्दी का कुछ बता रहा हूँ जो आपके सूजन को कम करेगा। बाल तोड़ होने पर हल्दी पाउडर का लेप बनाकर लगाने से बाल तोड़ से जल्दी छुटकारा मिलता है। हल्दी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और नेचुरल ब्लड प्यूरिफाइंग गुण जो होते हैं वो बाल तोड़ के कारण होने वाली सूजन और दर्द को दूर करता है। दूसरा है मेहंदी। जिन लोगों को बाल तोड़ वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा जलन होती है उनके लिए मेहंदी बहुत ही उपयोगी हो सकता है। मेहंदी में मौजूद ठंडक गुण जलन को शांत करने में मदद करते हैं। पीसी मेहंदी भिगोकर उसे बाल तोड़ के स्थान पर गाढ़ा गाढ़ा लेप सुबह और रात को लगाने से जलन के साथ साथ आपका जो बाल तोड़ है वो जल्दी ठीक हो जाता है। अब हम आपको अगला उपाय बताते हैं। बाल तोड़ की स्थिति में अगर मुंह में गेहूं के कुछ दानों को हल्का सा चबाकर फिर चबाए हुए गेहूं को बाल तोड़ की जगह पर लगाया जाए तो बाल तोड़ में निश्चित तौर पर आपको आराम मिलेगा। मतलब अगर बाल तोड़ हाथ या पैर पर होता है तो आपको शरीर के नंगों को हिलाने तक में दर्द की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि इस अवस्था में गेहूं के दानों को मुंह से चबाकर पीसना और फिर लगाना है। इस तरह आप दिन में 3-4 बार गेहूं को इस पर लगा दीजिए तो ये जख्म को बढ़ने नहीं देता है और उसे सुखाने में मदद मिलता है। फिर एक पीपल के पेड़ का उपाय बता रहा हूँ। आप पीपल के पेड़ की छाल को उखाड़ लीजिए और उसे पानी के साथ घिसकर एक लेप बनाएं। अब इस लेप को दिन में 3 बार बाल तोड़ पर लगाएं तो इससे दर्द में राहत मिलेगी और जो जख्म है आपका वो धीरे धीरे आपका भरने लगेगा। उसके बाद है नीम। नीम में एंटी बैक्टीरियल गुण के साथ एंटी माइक्रोबियल गुण भी होता है। यह बाल तोड़ को आपकी त्वचा से पूरी तरह बिना किसी दुष्प्रभाव के हटा देता है। इसके लिए मुट्ठी भर नीम के पत्तियों को लेकर उसको पीस कर लेप बना लीजिए, इसे त्वचा के प्रभावित हिस्से पर लगा ले तो इससे आपका जो बाल तोड़ है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। प्याज में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जिसके कारण ये बाल तोड़ के उपचार में काम आता है। प्याज का एक स्लाइस घाव पर रखें और उस पर कपड़ा बांध दीजिए। 1 या 2 घंटे के बाद आप उस कपड़े को हटा दीजिए और फिर रिजल्ट देखिए, कमाल का रिजल्ट आएगा, इससे ठीक हो जाएगा। नीम का जो है मैं आपको बता देता हूँ, 20 ग्राम नीम के पत्ते दूसरा उपाय है। 20 ग्राम नीम के पत्ते और 20 ग्राम काली मिर्च को पीसे और फिर एक मिश्रण तैयार करें। यह मिश्रण आपको बाल तोड़ वाले स्थान पर लगाना और फिर पट्टी बांधनी है। यह शीघ्रता से जख्म को सुखाता है और काली मिर्च होने की वजह से रोगी को थोड़ी पीड़ा भी होती है। अगर आप पीड़ा से बचना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ इन नीम के पत्ते का इस्तेमाल कीजिए, पर यदि आप दोनों को मिलाते हैं तो लाभ अधिक होगा। आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले घी में 1 चम्मच मैदा को पका लीजिए।
अब तैयार पेस्ट को ठंडा होने पर बाल तोड़ के जख्म के ऊपर लगाकर पट्टिया कपड़े से बांधें। तो इस तरह 2 से 3 दिन मैदा बांधने से जख्म पूरी तरह से सूख जाता है और आपको जो बाल तोड़ है वो पूरा ठीक हो जाएगा, निश्चित तौर पर ठीक होगा। उसके बाद है दही और जीरा पाउडर। दही और जीरे या काली मिर्च के पाउडर के इस्तेमाल से बाल तोड़ को दूर किया जा सकता है। बस आपको जीरे को बारीक पीस कर उसे दही में मिलाकर पेस्ट बनाकर बाल तोड़ पर लगाना है। इससे बाल तोड़ की समस्या से जल्दी छुटकारा मिलेगा और इन आयुर्वेदिक उपायों के जरिए आप बाल तोड़ के दर्द से निजात भी पा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, तो मैंने आपको इतने सारे उपाय बताए हैं जो आप आराम से कर सकते हैं और आप घर में ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आपको बता दें जो चलते चलते बता देता हूँ, 1 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास उबले दूध में मिलाकर 4-5 दिन तक पिए, आपका घाव ठीक हो जाएगा। एक और उपाय है, एक साफ कपड़ा लीजिए और गर्म पानी में भिगो लीजिए। अब इस कपड़े को घाव की जगह पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता दमाएं। ऐसा करने से दर्द तो कम होगा ही और घाव भी ठीक होगा। आप चाहें तो पानी में नमक भी मिला सकते हैं। आप लहसुन को पीसकर पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को घाव पर लगाएं। लहसुन की 2-3 कलियां कच्चा खाने से बाल तोड़ में आराम मिलता है। मक्के के आटे को 1 कप पानी में उबालकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। ठंडा हो जाए तो इस पेस्ट को घाव पर लगाइए और पट्टी बांध दीजिए। 2-3 घंटे बाद पट्टी खोलकर घाव साफ कर लीजिए और दोबारा पट्टी बांध लीजिए। तो इतनी सारी विधियां मैंने आपको बता दी है, आप आराम से कोई भी एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपका जो बाल तोड़ है निश्चित तौर पे ठीक हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।